हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। तो देखिए, इंडिया डिनाइज एनी रोल इन निज्जर्स किलिंग इन कनाडा। तो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया के ऊपर एक एलिगेशन लगाया था, और इंडिया के ऊपर क्या है? पूरे मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो वही हो गया, इंडिया के ऊपर बोला है। तो देखते हैं क्या है। इंडिया ऑन ट्यूजडे रिजेक्टेड द कैनेडियन एलिगेशन ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द किलिंग ऑफ प्रोमिनेंट खालिस्तानी सेपरेटिस्ट लीडर ऑन कैनेडियन सॉइल। तो इन्होंने बोला है कि उन्होंने ये बोला था कि खालिस्तानी सेपरेटिस्ट लीडर को कैनेडियन सॉइल पे मारा है, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहीं ना कहीं उन लोग को इन्वॉल्व लग रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो वो गवर्नमेंट अपना क्लियर कर रही है। इट वॉज इन जून दैट खालिस्तान टाइगर फोर्स चीफ हरदीप सिंह निज्जर वॉज गन डाउन बाय अनआइडेंटिफाइड एसिलियंस इन दिस सरे सिटी ऑफ कैनेडा। तो इसको वहाँ पर मारा गया है। इन अ टफ स्टेटमेंट द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर सेड एलिगेशन मेड बाय कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडियो डाइवर्टेड अटेंशन फ्रॉम द एक्टिविटीज ऑफ खालिस्तान ऑपरेटिव इन कैनेडा एंड कॉल्ड फॉर इफेक्टिव एक्शन अगेंस्ट देम। इन अ टिट फॉर टैट मूव इंडिया एक्सपेल एज सीनियर कैनेडियन डिप्लोमेट डिप्लोमेट आफ्टर कैनेडा एक्सपेल्ड अ डिप्लोमेट फ्रॉम इंडियन हाई कमीशन इन ओटावा। तो यहाँ पे ये बात है, आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखिए, सच अनसबस्टेंशिएटेड एलिगेशन सीक टू शिफ्ट द फोकस फ्रॉम खालिस्तानी टेररिस्ट एंड एक्सट्रीमिस्ट। तो मतलब ये चीज़ ये है कि जैसा कोई बेसलेस, यहाँ पे अनसबस्टेंशिएटेड और बेसलेस एलिगेशन जो है आपके, वो वहाँ का फोकस हटा रहे हैं, जो इन लोग के खालिस्तानी टेररिस्ट है, एक्सट्रीमिस्ट है, उन लोग से फोकस को शिफ्ट करने के लिए वहाँ पे ये न्यूज़ फैलाई जा रही है। हु हैव बीन प्रोवाइडेड शेल्टर इन कैनेडा एंड कंटिन्यू टू थ्रेटन इंडिया सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। द इनएक्शन ऑफ कैनेडियन गवर्नमेंट ऑन दिस मैटर हैज़ बीन लॉन्ग स्टैंडिंग एंड कंटिन्यूइंग कंसर्न। द एमईए स्टेटमेंट डिक्लेयर्ड द स्टेटमेंट फर्दर एक्नॉलेज दैट द मैटर हैज़ बीन डिस्कस्ड अर्लियर बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड मिस्टर ट्रूडियो। तो मतलब भाई, अभी तो G20 में आके मिले थे, फिर उसके बाद वहाँ पे जाने के बाद ये हरकत मेरे को ठीक तो नहीं लग रही है उन लोगों की। सिमिलर एलिगेशन वर मेड बाय द कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर टू आवर प्राइम मिनिस्टर एंड वर कम्प्लीटली रिजेक्टेड, द रिलीज सेड। द ऑफिशियल रिमार्क एक्सप्रेस्ड कंसर्न ओवर द यूज ऑफ कैनेडियन सॉइल बाय एंटी इंडिया एलिमेंट्स एंड अर्ज ओटावा टू टेक प्रॉम्प्ट एंड इफेक्टिव लीगल एक्शन टारगेटिंग देम। तो इंडिया तो बोल रहा है भाई, वो जो एंटी इंडियन एक्टिविटीज़ हो रही है ओटावा में, उसके खिलाफ आप एक्शन लो। अर्लियर इन एन अनप्रेसिडेंटेड टर्न ऑफ इवेंट्स मिस्टर ट्रूडियो अक्यूज्ड इंडिया ऑफ बीइंग बिहाइंड द किलिंग ऑफ हरदीप सिंह निज्जर अ प्रोमिनेंट फिगर ऑफ खालिस्तानी मूवमेंट हु वॉज बेस्ड इन ब्रिटिश कोलम्बिया, टर्मिंग द जून इंसिडेंट एन अनएक्सेप्टेबल वायलेशन। इन ए स्टेटमेंट ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स मिस्टर ट्रूडियो, मतलब वही जो उनके प्राइम मिनिस्टर है, ऑल्सो सेट द कैनेडियन सिक्योरिटी एजेंसीज हैज इन्वेस्टिगेटेड द जून किलिंग ओवर द पास्ट सेवरल वीक्स एंड दैट ही हैड टेकन अप द मैटर विद मिस्टर मोदी ड्यूरिंग हिज विजिट टू दिल्ली लास्ट वीक फॉर द G20। तो उन्होंने इसके ऊपर मोदी जी से बात की है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है, जब वो आए थे G20 समिट में। लास्ट वीक एट द G20 आई ब्रॉट देम पर्सनली एंड डायरेक्टली टू प्राइम मिनिस्टर मोदी इन नो अनसर्टेन टर्म, ही सेड इन हिज स्टेटमेंट टू द हाउस ऑफ कॉमन ऑन मंडे आफ्टरनून। एट द G20 समिट मिस्टर ट्रूडियो ऑल्सो हैज वन ऑन वन मीटिंग विथ मिस्टर मोदी। कैनेडा हैज ऑल्सो एक्सपेल्ड कैनेडा हैज ऑल्सो एक्सपेल्ड जस्ट अ सेकेंड, ये स्क्रॉल डाउन नहीं हो रहा है, लिखना पड़ेगा, क्या बात है। ओके, यहाँ पे ये इतना ही है। कनाडा हैज ऑल्सो एक्सपेल्ड द स्टेशन हेड ऑफ द रिसर्च एनालिस्ट विंग रॉ, इंडियाज इंटरनल इंटेलिजेंस एजेंसी फॉरेन मिनिस्टर। तो मतलब उन्होंने, कनाडा ने इन लोगों को एक्सपेल किया है, वो यहाँ पे मिल रहा था। देखिए, अब मैं आप लोगों को बताऊँ यहाँ पे बात क्या हो रही है। यहाँ पे सिंपल सा एक चीज़ इतना है ना कि वहाँ पे खालिस्तानी जो मूवमेंट हो रहे हैं वो इंक्रीज़ हो रहा है, कहाँ पे, कनाडा में। और इंक्रीज़ क्या हो रहा है, शुरू से जो जस्टिन ट्रूडियो है उनका जो वोट बैंक है, ये इनके ये है खालिस्तानी, तो इसलिए वो उनके फेवर में बोल रहे हैं। क्योंकि भाई देखो, उनको हमारे कंट्री से तो कुछ लेना देना है नहीं, ऑब्वियसली उनको अपने पॉलिटिकल करियर से लेना देना है।
ये क्या होती है ना, ये होती है छोटी सोच। तो छोटी सोच है इन लोगों की, ये अभी तो बहुत वो कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं कि भाई कोई बात नहीं, वहाँ है, हम तो यहाँ पर सेफ है, ये मिल रहे हैं टेररिस्ट के साथ। पर एक दिन आ सकता है ऐसा कि इनका हाल भी पाकिस्तान जैसा हो जाए, कि वो टेररिस्ट जब खुद के बनाए टेररिस्ट खुद के घर को नुकसान करेंगे ना, तब इनको बहुत बुरा लगेगा। इसलिए यहाँ पे एक फर्म और अच्छा स्टैंड लेना चाहिए, और राइट स्टैंड लेना चाहिए, राइटियस स्टैंड लेना चाहिए। अभी यहाँ से गया है सिख के बेवकूफ़, उसको इतना नहीं पता वासुदेवम कुटुंबकम हमारा थीम है, वन वर्ल्ड वन फैमिली। तो ये पता नहीं क्या सोच है, बस एक छोटे से वोट बैंक के लिए। ठीक है, मान रहा हूँ वोट बैंक बड़ी चीज़ है, पर इतनी भी बड़ी नहीं ना कि आप बाकियों को हार्म करो। तो बस इतना सा इशू है कि वो उनको नहीं बोल रहे, वो डायरेक्ट इंडिया के ऊपर ब्लेम डाल रहे हैं। तो ठीक है, डालते रहो तुम ब्लेम, देखते हैं तुम ये ब्लेम गेम कब तक खेलोगे हमारे साथ। और इंडिया तो प्रॉम्प्ट एक्शन लेने में बहुत माहिर है, और हमारे जयशंकर साहब जो है उनके ऊपर पूरा भरोसा है मुझे। सो थैंक यू गाइज, एंड प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स।